नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चों, जैसे आप लोगों के प्री बोर्ड्स तो खत्म हो चुके हैं, तो अब सीधी सी बात है, आप लोगों ने गाला तो कंप्लीट प्रिपेयर कर ही लिया होगा। और मेरे पास बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि अब आप हमें PYQs और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो बेटा, ये जो है वो चैप्टर वन से हम लोग चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। इन चैप्टर्स के अंदर आपको सारे सारे PYQs, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो चलिए अभी चैप्टर नंबर वन अपन देखते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो बच्चों, जैसे ये चैप्टर 5 मार्क का है, ठीक है, तो अब उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो जैसे कि पहला क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पर पोटेटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ इनर्ट गैस टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो सिंपल कि पोटैटो चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए कौन सी गैस का हम यूज करते हैं, ये पेपर 2022 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, और वो हमें पता है नाइट्रोजन गैस। ओके, चलिए नेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी आपको 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। सो जैसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक के अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है। मेन मेन पॉइंट्स को आप फोकस करते जाइए बेटा। हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है एक्सोथर्मिक में, और एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो एनर्जी रिलीज होती है, सो द रिएक्शन कॉजेस राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ पे द रिएक्शन कॉजेस फॉल इन टेम्परेचर। ओके, सो ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल में आप दिखा सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, ओके, रिलीज होती है, तो हमें वाटर मिलता है। अब यहाँ पर जैसे कि वेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड टुगेदर टू अ टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यहाँ पर हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो दैट इज द एंडोथर्मिक। अच्छा, आपको इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल आता हो तो लिख देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्निंग ऑफ कोल इज द डेस्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। अब बर्निंग ऑफ कोल, कोल का जलना, ओके, सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट, स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी टू टाइप विद एप्रोप्रिएट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन अपने पास रहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक। ठीक है, फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस एक ही बात है। नाउ बात करते हैं हम लोग फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स, ठीक है, ये कब होता है, जब एक कंपाउंड को तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट। ठीक है, हीट सप्लाई करके उस कंपाउंड को हम लोग तोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से वो कंपाउंड टूट जाता है, तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। डी मतलब ब्रेक डाउन, कंपोजिशन मतलब कि जो कंबाइन होकर वो कंपाउंड बना था उसको हम लोग तोड़ देते हैं। अब सीधी सी बात है, ये जो होता है वो क्या रहता है, ये ज़्यादातर जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो एग्जांपल में CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, हीट दे रहे हैं हम लोग इसको और हमें मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग नॉर्मली लाइमस्टोन कहते हैं, मार्बल कहते हैं, वो डिकम्पोज हो जाएगा और हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। ये ज़्यादातर जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, सच एज सीमेंट। अब इन्होंने यूजेस पूछा नहीं है, पर देखो मैं साथ साथ में आपको एडिशनल पॉइंट्स बता दी जाऊंगी, जहाँ पर, ठीक है, आपको जो है वो थोड़ा सा हेल्प हो जाए टू गेन द नॉलेज ऑफ अदर पॉइंट्स ऑल्सो। तो ये जस्ट एक नॉलेजेबल पॉइंट है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं फॉर द सीमेंट प्रोडक्शन और साथ ही साथ इन द क्रिएशन ऑफ लाइम फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। फिर आता है सेकंड, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। अब ये कब होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक कंपाउंड में से पास किया जाता है और उस कंपाउंड को तोड़कर सिंपल कंपाउंड्स एलिमेंट्स में अपन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब ये भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अपन ज़्यादातर इसमें यूज़ करते हैं, तो जैसे कि H2O है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हमें दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिल गए और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिल गया। ठीक है बेटा, याद करना यहाँ पे 2:1 है, ठीक है, हमेशा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से डबल होता है वॉल्यूम के तौर पे, ठीक है, ध्यान देना। मैं जो जो पॉइंट्स कह रही हूँ इसके लिए लेक्चर को सुनते जाना, बहुत सारी पॉइंट्स ऐसी होती जो हम लिखते नहीं बट हम बोलते हैं, तो वो सारी की सारी आपको ध्यान होनी चाहिए। थर्ड, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन जहाँ पे कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन करते हैं इंटू सिंपल सब्सटेंसेस विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये ज़्यादा यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। एग्जाम्पल आप ले लीजिए,
आप सिल्वर ब्रोमाइड ले रहे हो सनलाइट की प्रेजेंस में, सिल्वर जो है वो सिल्वर गैस निकल सॉरी सिल्वर मिल जाएगा और ब्रोमीन गैस जो है वो छू हो जाएगा, चला जाएगा. नेम द गैस विच बर्न्स विद पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस. ओके, नेम द कंपाउंड यूज टू टेस्ट द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब कौन से कंपाउंड को हम यूज कर सकते हैं, तो हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड. ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जिसको हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं. इसको हम लोग बनाएंगे और उसमें हम लोग सीओ टू गैस को देखेंगे, क्योंकि लाइम वाटर जब सीओ टू गैस जाता है उसके अंदर तो क्या होता है, इट टर्न्स मिल्की. ठीक है, देखो ये चेकिंग का पूछा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेटल एक्स बिकम्स ग्रीन व्हेन लेफ्ट इन एयर एंड टर्न्स ब्लैक व्हेन हीटेड इन एयर. ओके, देखो एक मेटल है एक्स, उसको आप वहीं खुले हवा में छोड़ दो ना, तो उसके ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन पैचेस नजर आएंगे. बट अगर उसी मेटल को आप जब हीट करते हो एयर के अंदर तो वो ब्लैक कलर में चला जाता है. तो उसका अब हमें नाम पूछा है और दोनों केसेस में कंपाउंड क्या बनेगा वो बताना है. ठीक है, तो ये क्या है, एक्स इज नथिंग बट अ कॉपर. ग्रीन कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट, याद करना CuCO3. ठीक है, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट बनता है ग्रीन कलर के हिसाब से, और ब्लैक कलर जो है वो आपको क्या देगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO. ठीक है ना बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज रेंसिडिटी, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द केमिकल्स विच आर एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड सो टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी. सजेस्ट टू मेथड्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रेंसिडिटी एंड हाउ इज कोरोजन डिफरेंट फ्रॉम रस्टिंग. ठीक है, ये कंप्लीट मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं. अब देखो, ऑयल और फैट जो फूड में अवेलेबल होता है, जब उसको एक्सपोज किया जाता है टू द एयर, मतलब कि हवा में खुला छोड़ दिया जाता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो रेंसिड हो जाता है. रेंसिड मतलब कि बदबूदार हो जाता है और टेस्ट भी उसकी खराब हो जाती है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी. ओके, इन दिस प्रोसेस देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस. ओके, द जर्नल नेम ऑफ केमिकल्स. अब जर्नल नेम हम जब लगाएं कि भाई कौन से केमिकल्स जो हम केमिकल्स यूज करते हैं टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी, तो उन केमिकल्स को क्या कहा जाता है, तो उन केमिकल्स को क्या कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है ना, क्या कहा जाता है बेटा, एंटीऑक्सीडेंट्स. ओके, एंटीऑक्सीडेंट में एग्जांपल जो है वो नाइट्रोजन गैस, अभी भी फर्स्ट क्वेश्चन यही देखा था ना हम लोगों ने. ठीक है, नेक्स्ट, टू मेथड्स टू रिड्यूस. ओके, अब क्या बोल रहे हैं, टू मेथड्स टू रिड्यूस द रेंसिडिटी. तो सीधी सी बात है, एक तो फूड को आप क्लोज कंटेनर में रख दो, जिसको हम एयरटाइट कंटेनर्स बोलते हैं ना, उसके अंदर यूज एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर लो. तीसरा ये भी है कि आप रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हो. ठीक है, ओके, अभी क्वेश्चन था कि कोरोजन रस्टिंग से क्यों डिफरेंट है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है. तो देखो बेटा, सॉरी, कोरोजन जो है वो आपको सब मेटल्स में दिखाई देगा जब भी हम उसको एयर में रख देंगे. ठीक है, तो ये जो मेटल है वो रिएक्ट करेगा मॉइस्चर के साथ, एसिड के साथ, या गैस प्रेजेंट उसके रहेगा उसके हिसाब से. बट रस्टिंग जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ आयरन मेटल में ही दिखेगी जब वो रिएक्ट करेगा एयर और मॉइस्चर के साथ, और ब्राउनिश पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं रस्ट. अभी बच्चों को ऐसा लगेगा कि ठीक है ना, बट क्या डिफरेंस हुआ. तो देखो मैं आपको सिंपल शब्दों में डिफरेंस बता देती हूँ. जैसे अभी भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कॉपर वाला, है ना, ये वाला 7th वाला क्वेश्चन ऑन कॉपर. तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जब हम उसको कॉपर को बाहर रख देंगे तो ग्रीन कलर का एक पैच बना देगा. ठीक है, अब वो ग्रीन कलर के पैच को आप इमली नींबू कुछ भी लो, उसे आप घिसो मतलब क्लीन कर लो, तो वो चला जाता है. डन, मतलब कि कॉपर का मेटल एज इट इज हमें मिल जाएगा जैसे पहला था. डन, बट आयरन का जो मेटल है, मतलब आयरन मेटल जो है, जब वो कोरोड होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ब्राउनिश लेयर आ जाती है, और ये ब्राउनिश लेयर जो है वो आयरन को ईटन अवे खाती जाती है, जिसकी वजह से वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो आयरन हमें दोबारा वैसा नहीं मिलेगा जैसा पहले था. तो ये डिफरेंस है बेसिकली रस्टिंग के अंदर, रस्ट के अंदर और कोरोजन के अंदर. बात समझ में आई. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इन द अबव रिएक्शन रिडक्शन टेक्स प्लेस इन डैश सब्सटेंस. देखो रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना. तो यहाँ पे जिंक के पास ऑक्सीजन है और यहाँ पे जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कि जिंक में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ,
ठीक है, तो इसका रिडक्शन टेक्स प्लेस इन जिंक. ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट फोर चेंजेस विच हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस. ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ उसके चार अपन को कौन से ऑब्जर्वेशन से हम बोल सकते हैं. चेंज इन स्टेट, गैस टू सॉलिड टू लिक्विड. ठीक है, लिक्विड टू गैस, ये जो स्टेट कन्वर्जन होता है. फिर आएगा चेंज इन कलर, कलर का चेंज हो जाना. ठीक है, ब्लू कलर कन्वर्ट होता है ग्रीन कलर के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. चेंज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के हिसाब से अपन देख सकते हैं. इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, हाइड्रोजन गैस. अभी हमने देखा हाइड्रोजन गैस निकलता तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है. तो ये भी एक इंडिकेशन है कि रिएक्शन हुआ है. ठीक है, तो दीज आर द फोर. अच्छा, अगर आपको एक और लिखना है तो आप लिख देना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. ठीक है, प्रेसिपिटेट इसका मतलब कि इनसॉल्युबल कंपाउंड. सॉरी, ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म होना. ओके, नेक्स्ट अ सॉल्यूशन सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग. नेम द सब्सटेंस एक्स एंड इट्स फॉर्मूला. ओके, एंड राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स इन द अबव रिएक्शन विथ वाटर. और ये 2020 में पूछा गया है. ओके, तो बेसिकली एक्स जो है वो क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है. और कह रहा है कि रिएक्शन बता दो, अब उसको जो वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो CaO plus H2 हो गया CaOH twice. ठीक है, नेक्स्ट विच गैस इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन जूसेस ऑफ फ्रूट इन जैम एंड द ड्राइंग फ्रूट्स. ठीक है, तो इनमें प्रिजर्व करने के लिए फ्रूट्स वगैरह में कौन सी गैस यूज करते हैं, हम करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड. नेक्स्ट द टीचर वॉन्ट्स टू शो दैट, क्वेश्चन समझना ध्यान से, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है. टीचर वॉन्ट्स टू शो दैट ऑल द क्रिस्टल्स इन द लैब विल डीकम्पोज टू गिव वॉटर ऑन हीटिंग विच इज कलेक्टेड ऑन द अपर सर्फेस ऑफ इन साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब. नेम फोर कंपाउंड टीचर शुड यूज इन द लैब टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. क्या कह रहा है कि टीचर जो है ना बच्चों को ये दिखाना चाह रही है कि आपके पास जो कलर्ड कंपाउंड होता है, ठीक है, जब आप उसको डिकम्पोज करते हो, आप जब उसको हीट करते हो तो वो उसके अंदर जो वॉटर होता है ना वो चला जाता है. तो जैसे वॉटर चला जाता है तो जो कंपाउंड है वो भी कलरलेस हो जाता है. ये उनको शो करना है. तो ये एक्टिविटी शो करने के लिए टीचर को कौन कौन से कंपाउंड्स टीचर जो है वो ले सकती हैं. ठीक है, तो देखो टीचर एक तो ले सकती हैं, क्या ले सकती है, ब्लू विट्रल मतलब कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है ना बेटा, तो जब वो कलर जब उसको हम लोग हीट करेंगे ना तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो चले जाएंगे और हमें कलरलेस वाइटिश कलरलेस सब्सटेंस मिल जाएगा. फिर दूसरा कंपाउंड यूज कर सकते हैं ग्रीन वाला. ग्रीन क्या होता है, आयरन सल्फेट. ठीक है, तो ग्रीन क्रिस्टल्स हो जाएगा. फिर एक यूज कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, जो बिल्कुल ऐसे सफेद, देखो इनमें कलरलेस होता है, ब्लू से कलरलेस कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन से कलरलेस हो जाएगा वाइट. ठीक है, वाइट से क्या होगा, वाइट में एक सोडियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं और दूसरा कैल्शियम सल्फेट वाइट कलर्ड. ठीक है, ये तो ये चार सब्सटेंस टीचर जो है वो यूज कर सकती हैं टू शो द इम्पैक्ट ऑफ द कंपाउंड की भाई वाटर, जिसको हम लोग नहीं बोलते वाटर क्रिस्टलाइजेशन, हाँ मुझे ये वर्ड याद आ गया. ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द लाइक एक्टिविटी टू शो द वाटर क्रिस्टलाइजेशन. एक्टिविटी टू शो वाटर क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट A student wants to find how fast the reaction is completed and to do so he places X marked on the tile. Above it he places the conical flask with the sodium sulfate in it. After some time he adds the solution of barium chloride and record the time taken for the X to disappear. Explain what makes cross disappear and name the reaction. अब क्या बोल रहा है, देखो बच्चे को ना ये देखना है कि reaction कितना जल्दी खत्म होता है. सो टू डू सो ही प्लेसेस एक्स मार्क्ड ऑन अ टाइल. ठीक है, टाइल पे उसने एक्स का मार्क किया. अब उसके ऊपर ही प्लेसेस अ कॉनिकल फ्लास्क. ठीक है, जिसके जिसमें सोडियम सल्फेट डाला हुआ था. आफ्टर सम टाइम ही एड्स बेरियम क्लोराइड और फिर देखा कि उसके बाद एक्स मार्क जो है वो कितना जल्दी डिसअपियर होता है. तो ये क्या है,
इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे। देखो ये और कुछ नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल है, साथ साथ लर्न भी करते जाओ। ठीक है, तो क्या है बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो BaSO4 मिलेगा विच मेक्स द विजिबिलिटी थ्रू द न्यू प्रोडक्ट डिफिकल्ट एंड सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हमें मिलेगा NaCl। समझ आया नहीं? चलो दोबारा सुनो, अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, एक बच्चे ने ना टाइल्स पे एक्स मार्क किया, ठीक है, उसके ऊपर से कॉनिकल फ्लास्क रख दिया। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने बेरियम क्लोराइड डाला, सॉरी सोडियम सल्फेट डाला, ये वाला कंपाउंड डाला सोडियम सल्फेट, फिर कुछ टाइम के बाद बेरियम क्लोराइड डाल दिया। जब रिएक्शन हुआ ना, तो उसका जो एक्स मार्क था ना, वो उसको नहीं दिखने लगा, डिसअपीयर हो गया। वो क्यों? अब देखो एक्स मार्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, द पॉइंट इज दैट कि जैसे ही BaSO4 बना ना रिएक्शन के दौरान, BaSO4 बना तो BaSO4 क्या बन गया, वाइट प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, वाइट PPD आ गया। अब कॉनिकल फ्लास्क के नीचे वाइट PPD जमा हो गया, तो वो जो ऊपर से देख रहा है तो उसको एक्स मार्क दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है वो, जैसे तुम समझो अभी एक एग्जांपल दो कि आपने है ना नीचे एक्स मार्क मार्कर से आपने एक्स का मार्क टाइल्स से बना दिया, और आपने एक ना कांच का ग्लास लिया है, उसके अंदर आपने पानी डाला। आप ऊपर से देखोगे तो सीधी सी बात है, वो पानी से आपको एक्स का मार्क दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर मिट्टी डाल देते हो पानी के अंदर, और फिर देख रहे हो, तो क्या आपको एक्स मार्क दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, बस ये वही बात है। ठीक है, तो एक्स मार्क कहीं नहीं जा रहा है, द पॉइंट इज दैट कि वो सॉल्यूशन जो है वो एक्स मार्क को डिसअपियर कर रहा है, क्योंकि वो विजन ब्लर हो जाता है, हमें कोई दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो वो सब्सटेंस बेसिकली ओपेक बन जाता है, दैट्स व्हाई। तो ये मेन पॉइंट है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, उसको आप याद भी कर लेना, और BaSO4 का कलर कौन सा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट याद कर लेना। समझ में आया? देखो कैसे ट्विस्ट क्वेश्चन आया इसके अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन भी तो हमें प्रैक्टिस करें ना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट सोडियम मेटल एंड जिंक मेटल गिवन इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, आपके पास सोडियम और जिंक मेटल है, आपको टच नहीं करना है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये सोडियम मेटल है जिंक मेटल है, क्योंकि दोनों का कलर सेम होता है, दोनों ग्रेश कलर के होते हैं। तो देखो सिंपल क्या करेंगे हम ना, कोल्ड वाटर को ऐड कर लेंगे, क्योंकि कोल्ड वाटर जैसे ही सोडियम से रिएक्ट करेगा वो बम्बार्ड करेगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा विग्रस रिएक्ट करेगा मतलब कि सोडियम जल्द से रिएक्ट हो गया, तो यहीं क्लियर हो गया कि ये वाला सोडियम और ये वाला जिंक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रेडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ यू ऐड जिंक कोटेड आयरन नेल इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपके पास ना एक खील है आयरन, ठीक है, और इसके ऊपर आपने जिंक की लेयर लगा के रखी हुई है। ठीक है, आपने इसके ऊपर जिंक की पूरी ऐसे लेयर लगा के रखी हुई है, और अब आप इसको डाल रहे हो एक बीकर के अंदर, जिसके अंदर जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो क्या होगा, चलो देख लेते क्या होगा। देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो ब्लू कलर होगा सॉल्यूशन का, वो धीरे 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 फेड होगा और लाइट हो जाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीधी 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 बात है यहाँ पे कि जो आयरन है उसने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, FeSO4, और कॉपर बाहर आ गया, तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूशन, और पहले सॉल्यूशन का कलर क्या था, ब्लू कलर था। तो धीरे धीरे ये होगा, दिस इज बिकॉज कि आयरन एंड जिंक बोथ आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, वो इसके लिए क्योंकि जिंक और आयरन दोनों रिएक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नजर आएगा ही आएगा उसके अंदर। ठीक है बेटा, ओके, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा एडेड मैग्नीशियम इन टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सुनना क्या किया, क्या कर रही दीपा, दीपा जो है ना वो मैग्नीशियम ऐड कर रही है किसके अंदर, HCl के अंदर। शी सॉ सम गैस कमिंग आउट, वो देख रही है कुछ गैस बाहर निकल रहा है। शी टुक अ मेथ स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड हर्ड अ पोपिंग साउंड, पट पट उसको आवाज सुनाई दे रही है जब वो जलती हुई मेथ स्टिक वहां पे लेके गई टेस्ट ट्यूब के ऊपर, वाइल द मेथ स्टिक एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, और जो मेथ स्टिक है वो बुझ गई। दीपा कंक्लूड दैट द गैस इवॉल्वड इज हाइड्रोजन
उसने ये बोला कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन निकली है, क्योंकि पॉप साउंड आया ना, तो पॉप साउंड को उसको टीचर ने बोला होगा भाई पॉप साउंड मतलब हाइड्रोजन गैस समझ लेना। और वो ये भी कंक्लूड कर रही है कि इट इज नॉट कम्बस्टिबल, वो कम्बस्टिबल नहीं है। तो आप हमको बताओ कि इसमें वो क्या एरर दे रही है। देखो पॉप साउंड है वो तो सही कह रही है, बट क्या हाइड्रोजन गैस नॉन कम्बस्टिबल होता है? देख लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली द गैस इज नॉट कम्बस्टिबल, ये उसका गलत पोर्शन है। हाइड्रोजन गैस इज हाईली हाईली कम्बस्टिबल एंड बर्न्स विद एक्सप्लोजन टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यू टू विच द मेस्टिक गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, वो एक्चुअली मेस्टिक जो है वो एक्सटिंग्विश्ड हो गए ना, वो बंद हो गए, तो उसको लगा कि कम्बस्टिबल नहीं है, बट नहीं, वो इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है ना, जिसकी वजह से वो मेस्टिक जो है वो बुझ गई। उस बेचारी कैपेसिटी है ना माचिस की तीली, इतनी कैपेसिटी थोड़ी होगी कि हाइड्रोजन जैसी गैस को वो झेल पाए, ठीक है, तो इसके लिए वो बुझ गई। तो बुझने का कारण ये है, ना कि ये कि हाइड्रोजन गैस जो है वो नॉन कम्बस्टिबल गैस है। बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। अहमद टुक अ मैग्नीशियम रिबन क्लीन, अच्छा से सैंड पेपर से क्लीन करके उसने लिया है, एंड बर्न इट ऑन अ फ्लेम, उसको फ्लेम में, तो उसको उसके अंदर उसको व्हाइट पाउडर बनता हुआ नजर आ रहा है। ही देन टेस्टेड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड विथ रेड एंड ओके सॉरी फॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वाटर वॉज एडेड, और उसके अंदर उसने फिर पानी डाल दिया। ठीक, उसके बाद वो चेक कर रहा है ब्लू और रेड लिटमस पेपर से, तो क्या चेंजेस उसको नजर आएंगे। देखो अब यहाँ पर रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और ब्लू वाला जो है वो ब्लू में ही रहेगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जब एयर के साथ बर्न किया गया तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है आपको व्हाइट कलर का। जब उसको पानी में डिजोल्व किया गया, ठीक है, जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उसको जब पानी में डिजोल्व किया गया तो वो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक नेचर है, इसकी वजह से रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू द ब्लू, बट ब्लू रिमेन्स ब्लू, ठीक है, उसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। इस तरीके का चेंज हुआ, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर विद डेजलिंग फ्लेम फॉर्म्स अ वाइट एश पाउडर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, तो बताओ क्या है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो वो रिएक्शन जिसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ नजर आएंगे उसको हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। जब मैग्नीशियम, ठीक है, देखो जब मैग्नीशियम कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन रिएक्ट कर ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मतलब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया ना, मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सो इन दिस केस मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन हो गया है, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, वेजिटेबल मैटर चेंजिंग इनटू कंपोस्ट। ठीक है, वेजिटेबल मैटर जो है मतलब वेजिटेबल जो है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक भी है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अच्छा, एज वेल एज आप इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी लिख सकते हो, सीधी सी बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिंग वाटर टू क्विक लाइम टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम, ठीक है, क्विक लाइम में आप वाटर को ऐड कर रहे हो तो क्या बन जाएगा, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक नेचर। चलिए नेक्स्ट, व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है ना कि प्लांट जो है वो हीट एनर्जी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करता है और अपना जो फूड है वो प्रिपेयर कर लेता है, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन। अब उसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल रूट्स के थ्रू ऊपर की तरफ आता है तो वो वाटर को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, और इसके लिए इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेसिकली उसको स्प्लिट करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी वो यूज कर रहा है, तो दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। ब्राउन कलर का एलिमेंट है और जलने के बाद ब्लैक कलर हो जाता है, तो एक्स एलिमेंट क्या है और ब्लैक कलर कंपाउंड क्या बना, ये ऑलमोस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीटेड ही है देखा जाए तो एक्स जो है वो कॉपर मेटल है, ओके, बर्न करने के बाद वो CuO बन जाता है विच इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, इसका अगर रिएक्शन लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ये हीट बैलेंसिंग गैस के साथ रिएक्ट हो रहा है और ये सॉलिड। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। अभी अभी हम लोगों ने रिएक्शन देखा था बेरियम क्लोराइड वाला, सल्फेट और वो,
बस वो वाला रिएक्शन ही है, ठीक है, आपका और कुछ नहीं है। तो आप अगर आपको वो वाला लर्न हो गया तो आप भले इसके एग्जाम्पल में वो लिख सकते हो, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स जो हैं वो इनसॉल्यूबल कंपाउंड बनाते हैं, तो जब इनसॉल्यूबल कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। वहाँ पे बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट का वाइट पाउडर निकल रहा था, वो जो क्वेश्चन था ना स्टूडेंट वाला, कहाँ गया, ये वाला 14 नंबर, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा ना, आप अगर वो वाला एग्जांपल आप डाल दोगे तो एक ही बात है, ठीक है। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट इज एंड डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आप दोनों में से एक भी चीज़ कर लोगे, एग्जाम्पल दोनों में लगाओगे एक ही, बिल्कुल आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, वाई आर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, डीकम्पोजिशन में हम लोग कंपाउंड को तोड़ते हैं, ठीक है। तो सिंगल कंपाउंड इज ब्रोक डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, ठीक है। तो जैसे CO3 जो है वो ब्रेक डाउन हो गया CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। कॉम्बिनेशन के अंदर उल्टा होता है, हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स लेते हैं और कंबाइन करते हैं, हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सिमिलरली SO2 और O2 को कंबाइन करोगे SO3 मिल जाएगा, इसके लिए इसको अपोजिट कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, देखो रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहली पॉइंट कि ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो ग्लूकोज मतलब कि C6H12O6, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसमें हमें क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो जाता है, प्लस वाटर मिलता है, प्लस हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब ये जो हीट एनर्जी है वो रिलीज होगी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, बाहर निकलेगी, बाहर निकल रही मतलब कि इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी हुआ, इसके लिए ही हम इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आई बेटा, चलिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब टाइप के क्वेश्चन कवर अप हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब ना थोड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही, क्योंकि केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री में आपकी एक्टिविटीज भी आती है टेक्स्ट बुक के अंदर, तो उन एक्टिविटीज में से जो ऑब्जर्वेशन जो है ना वो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि अगर एग्जाम में कुछ आता है तो यू वुड बी एबल टू राइट डाउन, ठीक है। तो फटाफट इसको भी देख लेते बहुत अच्छे से, मार्क्स क्यों गंवानी है हम लोगों को, बिल्कुल नहीं गंवानी, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इस पर भी काम कर लेते हैं। सो क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो मैग्नीशियम, अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीशियम रिबन किस लाइट से बर्न होती है, तो क्या लिखो, डेजलिंग, ठीक है, डेजलिंग लाइट एंड या डेजलिंग व्हाइट लाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। वो फुलझरी बंद करते हैं ना, ठीक है, कब किसमें करते हैं, दिवाली में, ठीक है, तो फुलझरी जलाते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर नहीं वो फुलझरी में जो तिमतिमाती हुई जो लाइट निकलती है, दैट इज द डेजलिंग लाइट, उसको ही कहते हैं हम लोग। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड का कलर क्या होता है, वाइट कलर होता है, यह हालांकि पहले भी 2-3 क्वेश्चन में कवर अप तो कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, थर्ड, लेड नाइट्रेट, सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो वो लेड आयोडाइड बनाता है जो पानी में सॉल्यूबल नहीं होता है और वो येलो कलर का होता है। पानी में सॉल्यूबल नहीं हुआ मतलब कि ये भी एग्जांपल है किसका, प्रेसिपिटेट रिएक्शन का, ठीक है बेटा। तो ये एग्जांपल है प्रेसिपिटेट रिएक्शन का, प्रेसिपिटेट स्पेलिंग सॉरी, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेट का है और साथ ही साथ डबल डिस्प्लेसमेंट का है, है ना। तो देखो पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं ना बेटा, अगर समझो कि ये वाला इक्वेशन दिया जा रहा है और आपसे ये पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द रिएक्शन, ओके, तो इसके अंदर आप दोनों लिख सकते हो, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट इनके लिए क्योंकि आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, और प्रेसिपिटेट इसके लिए क्योंकि इसके अंदर एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ लेड आयोडाइड, तो याद करना कौन सा कलर होता है, येलो, PPT येलो कलर होता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, जब जिंक मेटल को हम रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, ठीक है, तो हाइड्रोजन के बबल्स जो है वो हमें दिखते हैं, मतलब बबल दिखता है, मतलब बबल जो है वो हाइड्रोजन गैस है, और कॉनिकल फ्लास्क जो है वो गर्म हो जाता है। अब अगर फ्लास्क गर्म हो गया, इसका मतलब कि क्या शो करेगा, ये इंडिकेट करेगा दैट इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, तो याद कर लेना ये वाला फॉर्म है। मेनली इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे क्वेश्चन से पूछ सकते हैं दैट
वॉट डज द बबल्स इंडिकेट, बबल बन रहा है ना, तो बबल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दे इंडिकेट द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है, यहाँ तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये रिएक्शन देख के पूछ सकते हैं दैट वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, यहाँ तो हाउ कैन यू से दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बिकॉज द कॉनिकल फ्लक्स बिकम्स हॉट विच इंडिकेट्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. समझ आ रहे, ऐसे ऐसे आपको आंसर्स जो है वो दिमाग में करने होते हैं, बिठाने होते हैं. नेक्स्ट, केमिकल ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम. ठीक है, केमिकल ऑक्साइड जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से पानी के साथ रिएक्ट करता है और हमें स्लैग्ड लाइम मिलता है. अब ये रिएक्शन कैसा है, कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो हमने एक पहले भी देख लिया था, एग्जाम्पल था ना, गिव द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे वो चीज आ गई, तो ठीक है उसमें से आ गया ये. ओके, अब ये वाला भी पॉइंट मैंने पहले डिस्कस तो कर लिया था कि फेरस सल्फेट जो है वो कौन से कलर के होते हैं बेटा, ग्रीन कलर के होते हैं. चेंजेस टू ब्राउनिश ब्लैक फेरिक ऑक्साइड एंड द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व. ठीक है, तो जब हम लोग फेरस सल्फेट, सुनना ध्यान से, फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का है उसको हम जब बर्न करेंगे ना, तो हमें जो है वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलेगा और जलती हुई गंदी सी स्मेल आएगी. वो जलती हुई बर्निंग स्मेल जो है, ठीक है, वो आपको क्या बताएगी, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, वो रिलीज हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड. जैसे घर में लाइक कभी खाना जल गया तो जल जाए तो कैसी स्मेल आती है, वैसी स्मेल, तो दैट इज कॉल्ड अ बर्निंग स्मेल. अच्छा, अब एक और पॉइंट है, ध्यान देना कि नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को पहचानने के तरीके बताओ. तो देखो, इसके दो तरीके हैं. पहली बात तो ये गंदी सी स्मेल देती है, पंजेंट स्मेल, और दूसरा जो धुआं होता है उसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है. ठीक है, पॉइंट आ गया. ओके, और ये वाला रिएक्शन अगर हम करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ब्राउनिश रेसिड्यू मिल जाएगा आपको इसके अंदर, किसका, पीबी होगा. ठीक है, एक सेकंड है, यहाँ पे एरो आएगा और उसके बाद ही रिएक्शन आएगा. ठीक है, अच्छा, ये जो है वो ये एग्जांपल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी है. ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल भी आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन में लिख सकते हो. नेक्स्ट, अच्छा, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, वो मैंने बता दिया. अच्छा, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं ना, द इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन वाला, तो उसके अंदर अगर आपसे ये पूछते हैं कि भाई ठीक है, तुम तो हमें ये कह रहे हो कि वाटर को आप जब डिकम्पोज करो तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगा. ठीक है, अब हमें ये बताओ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा कहाँ पर. तो बेटा याद करना, एनोड पे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, और कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन. ठीक है, चलिए, जो सिल्वर क्लोराइड है वो एक्चुअली उसका कलर क्या होता है, व्हाइट कलर होता है. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ले लो या सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, दोनों का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है. तो जब वो सनलाइट में एक्सपोज होता है ना, फोटोलाइटिक रिएक्शन के अंदर, तो वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ये ग्रे कलर इंडिकेट्स कि सिल्वर मेटल मिल गया. ठीक है, तो सिल्वर मिल गया और Cl2 या Br2 जो है वो गैस छूमंतर हो गई. ठीक है, नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है. ओके, जब हम आयरन ऑयल उसमें डिप करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर के अंदर. अच्छा, ये वाला सेम रिएक्शन है, ग्रीनिश, वो वाला देख लिया था, रिपीट हो गया, सॉरी. ठीक है, सेम ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें मैं आपको सिर्फ आयरन नेल कह रही हूँ, उसमें मैंने कहा था कि आयरन नेल कोटेड विद जिंक. ठीक है, तो आपका ऑब्जर्वेशन पूरा का पूरा सेम नजर आएगा, तो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया है. नेक्स्ट, व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड. ये वाला रिएक्शन भी ऊपर हो चुका हमारा. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया. तो ऑलमोस्ट ये सारे एक्टिविटी बेस्ड वाले पॉइंट्स भी हम लोग मेन क्वेश्चन में कवर अप कर चुके हैं. सो बच्चा जी, यहाँ पे हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट. तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिए वो लर्न कर लीजिएगा, और ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताई वो एक बार अच्छे से सुन ली ना. ठीक है, दिमाग में उठा देना, बस खत्म. तो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाता है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर वाइज में आपको देखते जा रहे हो, आप लर्न करते जाइए, मेरे वीडियोज फटाफट आपको मिलते जाएंगे. और कैसा लगा वीडियो जरूर जरूर बताइएगा. डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर.